जय जितेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म और साइंस की। आप देख सकते हैं कि युवा वर्ग धर्म से भागता है। समाज में बहुत ही कम युवा धार्मिक क्रिया में लीन दिखाई देते हैं। जब युवा वर्ग को जैन धर्म की आदत या सीख सिखाई जाती है तो वो कहते हैं कि विज्ञान में तो ऐसा लिखा ही नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 15 तथ्य बताएंगे जिसे महावीर स्वामी ने 2500 साल पहले ही बता दिया था। जैन धर्म और साइंस में फर्क बस इतना ही है कि साइंस देर से जागता है। सबसे पहला है रात्रि भोजन। महावीर स्वामी ने अपने सर्वज्ञ दृष्टि से देखकर कहा कि रात्रि में अन्न, जल, फल या मुखवास तक नहीं लेना चाहिए। जैन धर्म में कई हजारों साल से कहा जा रहा है कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, और आज भी बहुत से ऐसे जैन हैं जो रात्रि के भोजन का त्याग करते हैं। विज्ञान भी इस बात को सच मानता है। विज्ञान की माने तो सूर्य के प्रकाश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म कीटाणु बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर होते हैं, और हमारी पाचन शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है। विज्ञान कहता है कि जैसे जैसे सूर्य उगता है हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे सूर्य ढलता है हमारी पाचन शक्ति भी कम हो जाती है। विज्ञान का यह भी कहना है कि भोजन को पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, और यदि कोई व्यक्ति शाम को 4 या 5 बजे भोजन कर लेता है तो उसका भोजन रात के 9 बजे तक पच जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति रात के 8 बजे भोजन करेगा और 10 बजे सो जाएगा तो उसका मस्तिष्क और अन्य शरीर के अंग तो बहुत कम सक्रिय रहेंगे पर पेट बहुत सक्रिय रहेगा, जिससे पेट नए नए रोगों को बुलावा देगा। और हमें गर्व है कि हमारे आधारभूत संस्कृति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। अब कई लोगों का यह कहना होगा कि हमारे जैन दोस्त हैं या हमारे कई जैन जानने वाले हैं जो रात में भोजन करते हैं, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि किसी व्यक्ति के कुछ करने या ना करने से जैन धर्म के सिद्धांत नहीं बदलने वाले हैं। और अब हम कल आपसे बात करेंगे दूसरे तथ्यों की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रखा है, ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि हम सुरक्षित रहें। रोज ही हम सोशल मीडिया पर नई नई बातें सुनते हैं, इतनी अफवाहें उड़ाई जाती हैं वैक्सीनेशन को लेकर और भी कई प्रकार की दवाइयों को लेकर, समझ में ही नहीं आता कि कैसे अपने आप को कोरोना वायरस से हम सुरक्षित रख सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें सही राय मिले, सही जानकारी मिले। इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के रतन ज्योति डालमिया हार्ट सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर डालमिया। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रविशंकर डालमिया, हृदयरोग चिकित्सक, मेडिकल डायरेक्टर, हेड रतन ज्योति डालमिया हार्ट इंस्टीट्यूट ग्वालियर। आपके समक्ष आज एक बीमारी के बारे में हम बात करने चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम अब देखेंगे कि ये जो बीमारी है ये एक एपिडेमिक या पैंडेमिक कह सकते हैं इसको, जो कि पूरे विश्व को अभी गिरफ्त ले रहा है। और हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर ये जो सेकेंड वेव आई है ये बहुत ही प्राणघातक साबित हो रही है, और जहाँ देखें जिस घर में देखें तो हर जगह कोरोना के पेशेंट्स इस समय हैं। और सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव को अगर हम देखें तो सेकेंड वेव में जो वायरस में म्यूटेशन हुए हैं जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई है, उसकी वजह से इसकी जो सेकेंडरी स्ट्राइक रेट है, मतलब जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसके जो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, और दूसरी बात है कि जो बीमारी पहले जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, उनमें निमोनिया ज़्यादा होता था, ये जो नया वायरस है ये यंग एज में भी काफ़ी प्राणघातक साबित हो रहा है, और काफ़ी यंग बच्चे हैं जो काफ़ी सीवियर निमोनिया के साथ अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो वायरस जो है बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और इसके प्रिकॉशंस के अंदर हम बात करें तो सबसे अच्छा प्रिकॉशन यही है कि आप घर में रहें, बिना किसी बहुत इमरजेंसी के घर के बाहर ना निकलें, और घर के हर एक सदस्य को डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर घर का एक भी सदस्य या आपके बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं या आपके यहाँ कोई मेड है जो हेल्पर है वो भी बाहर से आ रही है, और तो आपको उतनी ही रिस्क है जितना कि आप बाहर जाएँ और वायरस को कैच कर सकते हैं। तो घर में जो सदस्य हैं हर किसी को प्रॉपर प्रिकॉशन लेने होंगे। प्रिकॉशन में आप डिस्टेंसिंग रखें सामने वाले व्यक्ति के साथ में, घर से बाहर ना निकलें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मास्क पहन के रखें। और मास्क में हम बात करेंगे किस तरह का मास्क,
जो लोग नॉर्मली कोरोना किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर रहे हैं या फिर उनके संपर्क में नहीं आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आजकल डबल मास्किंग सजेस्ट करी गई है, जिसमें दो तरह के मास्क, एक सर्जिकल मास्क जिसमें आपको नॉट लगाना है सर्जिकल मास्क में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है सर्जिकल मास्क को नॉट लगा करके उसके ऊपर एक नॉर्मल कपड़े वाला मास्क पहने। और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि लोग जो है मास्क को नाक के नीचे लगाते हैं। कोरोना वायरस जो स्प्रेड होता है वो नाक से स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो मास्क है वो नाक के नोजल ब्रिज के ऊपर यहाँ पर होना चाहिए और ये नाक को और मुंह को पूरी तरह कवर करें और पूरी फेस के ऊपर एक सील जैसी बना लें, जिससे कि जो हवा है बाहर की अंदर ना आ पाए और अंदर की हवा बाहर ना जा पाए, तभी आप इसे पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। अगर घर में किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण हैं तो आपको घर में भी मास्क पहनना होगा, केवल अपने रूम में जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पर मास्क उतार सकते हैं। घर के सदस्य अगर बाकी मिलते हैं तो मास्क के साथ ही मिले, अन्यथा अगर घर में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं है तो आप बिना मास्क के सेफली घर पर रह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। इस समय हमने देखा है कि सेकेंड डोज में अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को भी वैक्सीनेशन प्रॉपर हो गया है, सेकेंड डोज समय रहते लग गई है, उनमें निमोनिया कम हो रहा है, उन व्यक्तियों में इसके वायरस के संक्रमण के सिम्टम्स जो हैं वो कम है और उनके जान जाने के चांसेस भी काफ़ी कम हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए और वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स बहुत ही मामूली हैं। हमने अभी तक किसी ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए नहीं देखा है। वैक्सीनेशन सेफ है और वैक्सीन जल्द से जल्द कराएं क्योंकि वही एक तरीका है जिससे हम अपनी जान को बचा सकते हैं। और वैक्सीन के बाद में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हम देख रहे हैं जो व्यक्ति वैक्सीन कराने जाता है और वही संक्रमण की चपेट में आ जाता है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप वैक्सीनेशन कराने जाएं जो टाइम आपको अलॉट किया गया उसी टाइम पर जाएं, भीड़ में ना बैठें और प्रॉपर मास्क लगाएं। कोशिश करें कि उस समय आप एक N95 मास्क का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर एक कपड़े का मास्क लगाएं और आके उस मास्क को डिस्पोज ऑफ कर दें, जिससे कि आपको संक्रमण ना हो। और मास्क के बारे में कुछ लोग जैसे बात करते हैं कि मास्क लगाने से दिक्कत हो जाती है, शरीर का ऑक्सीजन कम हो जाता है। मैं तो मास्क पिछले 1.25 साल से लगा रहा हूँ और मास्क लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्क से हम संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन मास्क, उसी मास्क को रूटीन में बार बार यूज़ ना करें। कभी भी आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उस मास्क को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और एक नया मास्क का इस्तेमाल करें। और N95 एक ऐसा मास्क है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति को लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये जो मेडिकल स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है उन्हीं को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग किसी संक्रमित व्यक्ति का इलाज कर रहे होते हैं। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि जैसे अभी जो महामारी फैल रही है, जो कुछ लोग बोलते हैं जैसे मास्क में बैक्टीरिया वगैरह हैं या बैक्टीरिया ये सब चीज़ें फालतू हैं, इन सब चीज़ों के ड्यूमर्स के ऊपर ना जाएँ और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, डिस्टेंसिंग रखें, घर के बाहर ना निकलें। मान के चलिए कि मास्क ही इस समय एक इलाज है जो आपको इस बीमारी से बचा सकता है। और दूसरी बात, मैं अंत में सबको ये कहना चाहूँगा केवल 3 शब्दों में, हेल्प हेल्प हेल्प। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति, केवल मेडिकल प्रोफेशनल ही नहीं, हर एक व्यक्ति जो जिस भी स्तर पर काम कर रहा है, हर व्यक्ति को इस समय सिंसियरली काम करना है, एडवाइस देना है, बीमार से बचना है और देश की मदद करनी है, तभी हम इस वॉर जैसी सिचुएशन से लड़ पाएंगे। मुनिश्री विनय कुमार आलोक आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र ट्रस्ट 13 पंथ भवन में विराजमान है, जहां महाराज साहब ने अपने प्रवचनों में वाणी के बारे में बताया कि वाणी में संयम होना बहुत जरूरी है। अनंता जीव मुक्ति गया गया तना फल जा अर्घंते शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि की वरिपन्नतम दम्मम शरणम पवज्जामि।
अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिवन्नतं ब्रह्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिवन्नतं ब्रह्मं शरणं पवज्जामि। आज आमीन। उद्यान से कैमरामैन विकास के साथ अमन की रिपोर्ट। 45 वर्ष के ऊपर के उम्र वालों को लग रही वैक्सीन, कम उम्र के लोगों को 1 मई के लिए दिया जा रहा था आश्वासन। कम उम्र के लोग हो रहे हैं मायूस, अस्पताल के SMO का कहना है कि कोई प्रशासनिक आदेश नहीं, आदेशों के मुताबिक ही लगाई जाएगी वैक्सीन। लगातार ये पंजाब में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और रोजाना ही हजारों की गिनती में पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और सरकार की तरफ से कोरोना हिदायतों की पालना करने और कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील जारी है। लेकिन बात करें पंजाब के सेहत मंत्री के बयान की तो पंजाब में वैक्सीन की कमी आ रही है जिसके कारण 1 मई से 18 से अधिक उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगाई जानी थी वह फिलहाल नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर बात करें जिला गुरुदासपुर के सिविल हॉस्पिटल बटाला की तो जहां पर रोजाना ही सैकड़ों की तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, वहीं जब हमारी टीम ने वैक्सीन वार्ड का जायजा लिया तो वहां भारी तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे हुए थे। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को तो वैक्सीन लगवाई जा रही थी लेकिन उससे कम के लोगों को वापस भेजा जा रहा था और कहा जा रहा था कि 1 मई से उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। परंतु कम उम्र के लोगों को 1 मई से जो वैक्सीन लगाई जानी थी वो अब नहीं लगाई जा रही है, इसके लिए कम उम्र के लोग मायूस दिखाई दे रहे हैं। शनि मंदिर के लागे न्यू धर्मपुरा कॉलोनी मेरा रेजिडेंस है, आज मैं वैक्सीन का टीका लाने लिए आया वहाँ, पर टीका तो इतने लगा रहे हैं पर अफसोस ये वा कि साड़िया सरकार इन्ना रुपया खर्चन दी भी सोशल डिस्टेंस चाहिए वा जिहड़ा कि इतने सोशल डिस्टेंस नहीं है। इस सेंटर ने साडे लोगों को सेध देनी है भी आ चीज़ होनी चाहिए है, खास करके इतने प्रबंध होया होगा तो शायद मैं उम्मीद है भी बाकी जगह भी साडा प्रबंध हो सकता। अफसोस ये वा भी इतने प्रबंध होना बड़ा जरूरी है। नंबर 2 जिहड़ा इत्थे 45 साल तो जिहड़े थले ने लोग उन्होंने टीका नहीं लग रहा, चलो सरकार ने भी 1 मई को किया वा, अगर सरकार ने 1 मई को किया तो मैं कहना 30 अप्रैल हैगी है, उसे भी किसी को अकोमोडेट कर लेना गुनाह नहीं है। जिहड़ा कोई घरों आया वा उन्हें अकोमोडेट करके ही जाना चाहिए। तो मेन जिहड़ा मकसद इतों का यह वा कि आ जिहड़ा सिस्टम है इनू जरूर अडॉप्ट करन क्योंकि ये तो साडा करोने का बचाव होना जिहड़ा कि मैनूं सेंटर चों नज़र नहीं आया। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंदर की रिपोर्ट। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और कोर्ट कपूरा गोलीकांड की जांच कर रहे इस सिट की रिपोर्ट को हाई कोर्ट के जज की तरफ से खारिज कर देने और सिखों को इंसाफ न मिलने पर अमृतसर में सिख संगठनों व दल खालसा की तरफ से हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपियां जलाकर रोष प्रदर्शन किया गया। सिख संगठनों का कहना है कि इस सिट के मुखी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने बिल्कुल सही रिपोर्ट तैयार की थी जिसे राजनीतिक तौर पर दबा दिया गया। सिखों का कहना है कि यह राजनीतिक फैसला है इसलिए उन्होंने इस फैसले के खिलाफ आज हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपियां जलाई हैं। हाई कोर्ट के फैसले को राजनीतिक फैसला बताते हुए सिखों ने कहा कि उनके साथ अन्याय है जिसे वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिखों का मानना है कि IG कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपनी रिपोर्ट में एक एक शब्द सही लिखा है जिस कारण कई राजनीतिक लोगों को डर सताने लगा था, जिस कारण इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट की आड़ में खारिज करवा दिया गया। परमजीत सिंह मंड प्रधान सेक्रेटरी तो पंजाब, पिछले दिन हाई कोर्ट ने कोर्ट पूरा गोलीकांड संबंधी जी रिपोर्ट हाई कोर्ट के दायर हुई थी उसनों रद्द कर दिता से और उसके रोस वजो पिछले दिन कुछ पंथक जथेबंदियां सियासी धरां ने इकट्ठे होकर यह ऐलान किया कि 30 तरीक न असी उस जजमेंट कापियां जी उसमें साड़ांगे। इस तो पहला हाई कोर्ट घेरन का जोड़ा प्रोग्राम वह भी लिखा गया सी, चंडीगढ़ के लीडर की गिरफ्तारी भी हुई और जोड़ा वो प्रोग्राम लिखा गया सी कापियां साड़न का जजमेंट दापियां साड़न का इस दसण के लिए कि सूँ ये जजमेंट प्रवान नहीं, ये जजमेंट पोलीटल जजमेंट है ना कि लीगल जजमेंट।
और यहोजे फैसले जोड़े आते हैं ये बार बार सिख कौम एहसास करवाते हैं कि सिख कौम एक गुलामा वांग इतने जी रही है। और इस जी एस आई टी जी रिपोर्ट आ उसने थोड़ी बहुत आस दिखाई से इस बार सिख कौम के पीड़ित परिवार अंदर के शायद इंसाफ मिले, पर हाई कोर्ट की जजमेंट ने यह फिर साबित कर दिता है कि इतने सिख कौम के लिए कोई भी इंसाफ जोड़ा है वह नहीं मिलता। बिल्कुल कुंवर विजय प्रताप में अज उ दरबार साहब के समूह के बाहर जोड़ा वो सम्मानित किया गया कुछ जथेबंदियों वालों। असं समझते कि उन्होंने जथेबंदियों ने अपनी समर्था के सोच के मुताबिक उन्होंने कार्ज में वेखते हुए जोड़ा उन्होंने सम्मानित किया एक ठीक गल है जो जो बंदा ईमानदारी काम करता है सिख हमेशा ही उसको सम्मानित करते रहन। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। कोरोना महामारी दिन पे दिन अपने पैर पसारती जा रही है और ज्यादातर मरीज कोरोना महामारी के नाम सुनकर ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पंजाब में भी कोरोना की दहशत भी आम देखने को मिल रही है और मरीजों की संख्या में भी लगातार विस्तार होता जा रहा है, परंतु कोरोना महामारी में इस तरह के भी कई मरीज हैं जो कोरोना की जंग जीत कर अपने घरों को लौट रहे हैं, जिसकी ताजा मिसाल देखने को मिली नाभा में, जहां 70 साल हरीश भाटिया की तरफ से बीते 10 दिन तक निजी अस्पताल में रहकर कोरोना की जंग जीत कर घर वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की बीमारी से डर कर कुछ नहीं बनना और आप इस बीमारी से तो जीत ही सकोगे, क्योंकि हौसला रखो और अपने मन को मजबूत रखो। इस मौके हरीश भाटिया ने कहा कि मुझे पहले बुखार हुआ, उसके बाद मुझे घबराहट होनी शुरू हुई, जब मैंने कोरोना टेस्ट करा लिया तो मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद मुझे सांस लेने में काफी तकलीफ आई, उसके बाद मैं एक पटियाला के निजी हॉस्पिटल में दाखिल हो गया और मेरी हालत काफी खराब होती रही, परंतु मैंने हौसला नहीं हारा और मैं फिर धीरे धीरे कोरोना महामारी की बीमारी को मात देकर 10 दिनों बाद घर वापस आ गया। उन्होंने कहा कि जहां मेरी अस्पताल में स्टाफ की तरफ से पूरी तनदेही के साथ सेवा की गई, वहीं परिवार की तरफ से भी पूरी तनदेही के साथ मेरी सेवा की गई और परिवार के मेंबर्स ने दिन रात एक करके मुझे हौसला अफजाई दी और मैं भी पूरा बीमारी के साथ लड़कर आज जंग जीत चुका हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ? ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਲੰਬੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਚੈਸਟ 'ਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ। ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਟਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇੜੇ ਕਟਾਉਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4th ਕਲਾਸ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਇਆ। 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਪਰੇਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਡਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਚੈਸਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਭੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲੰਬੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ,
दवाई लो अपनी टाइम सिर ठीक हो जाओगे। जो हौसले ही हार गए फिर तो बिल्कुल ही गए, फिर हौसला रखना पैदा है। नावा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। हिंद की चादर सतगुरु श्री तेग बहादुर जी का 400 साला गुरुपुर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब लुधियाना में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दर्शकों, आज बहुत ही पवित्र दिहाड़ा है, नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आज 400वां साला प्रकाश उत्सव है। मेरे नाल ने इस टाइम गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब जी के प्रधान प्रीतपाल सिंह जी, जानदे उन्हां तो गुरु साहिब जी के इतिहास बारे अते गलबात करदे आ। अमृतसर की पावन धरती के गुरु के महल विखे उन्हां दा जन्म होया। मीरी पीरी के मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के ग्रह विखे उन्हां दा जन्म होया, जो तकरीबन 400 साल पूरे हो गए उन्हां दे जन्म नूं। अज दे पावन दिन ते देशां च बैठियां संगतां, विदेशां च बैठियां संगतां बहुत वड्डे पद्धर ते 400 साल शताब्दी पुरब मना रहियां हन। जिते देशां च बैठियां संगतां मना रहियां हन, उत्थे गुरद्वारा दुख निवारण साहिब लुधियाणा विखे बड़ी वड्डी पद्धर ते संगतां दे मिलवरतन ते सहयोग दे नाल ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੋਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਕਰ ਵਿਖਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਏ ਰਪੈੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਸ ਪੈੜ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਕੇ ਸਮਾਚਾਰ ਬਸ ਇਹੀ ਤੱਕ। ਆਪ ਸਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਏ। ਜੈ ਜਗਤ।